देश में लंबे समय से चल रही पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की प्रोटेस्ट पर अब तक नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक की तमाम प्रतिक्रिया सामने आ चुकी हैं। वहीं अब इस पर बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी के लीडर मिथुन चक्रवर्ती ने भी रिएक्ट किया। दरअसल हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उनसे पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में एक्टर ने कहा, अगर दया से प्यार से लोगों को देखें तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या करें, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। मिथुन चक्रवर्ती के इस जवाब के बाद एक्टर से सवाल किया गया, क्या आपको लगता है केंद्र सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। इस पर एक्टर ने साफ कहा, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता, केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, यह संविधान के खिलाफ होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पिछले कई दिनों से भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनकी मांग है यौन उत्पीड़न मामले में सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। इसी सिलसिले में पहलवान लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को लेकर अब तक कई टीवी सेलेब्स भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि महिला पहलवानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो क्या मोदी राज में महिला पहलवानों को इंसाफ मिल ही नहीं पाएगा। सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो तस्वीर इस वक्त की नजर आ रही है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि मोदी सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, और कहीं ना कहीं आज तमाम बड़े कलाकार हों या नेता अभिनेता, वो जो है सीधे तौर पर मोदी सरकार का बचाव कर रहे हैं, लेकिन महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने की बात कतई नहीं कर रहे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।